आपको आत्म दाह करना पड़ गया। इधर देख के बताइए। हम नियोजित शिक्षक हैं जी। हेलो। हम आज 2-3 माह पहले डीओ साहब को अपनी मांग को लेकर लिखी दिए थे जी कि ये मेरी मांग है, अगर मेरी मांग गलत है तो आप लीक कर दीजिए कि आपकी मांग गलत है जी, नहीं तो भुगतान कीजिए। क्या मांग था आपका? मांग था पहले कि हम डुमराव के नियोजित शिक्षकों का आवास पता अंतर बकाया वेतन था, उस अंतर बकाया वेतन में 80% का हो गया भुगतान, 20% का बाकी है, उसके लिए अलग नियम नहीं बनेगा। वेतन बंद कराया है 2020 में और यह बुरहानपुर प्रखंड का 15 शिक्षक का वेतन कटा था एक दिन का, 15 का वेतन बनकर जिला में आया, 12 कर दिया, 3 का नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अब उन समझे क्या कारण है वेतन अभी, अभी डीओ साहब से बात हुआ आपका? आए डीओ साहब से बात हुआ? डीओ साहब हम उससे बात नहीं करते, कहते हैं कार्रवाई करेंगे वेतन आएगा तो कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? तो कॉज किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं कॉज है, कहते काफी नहीं देंगे हम 2 वर्ष से 2021 से बैठा है। अभी क्या करने आए थे आप यहाँ पे? हम बलिदान देने आए थे। बलिदान मतलब खुल हम जान देंगे, अगर हम कोई रोकेगा तो यहाँ बिना खाए यहीं पर रहेंगे, अब यहाँ जाएंगे नहीं। अब सुने कि आप आत्मदाह कर रहे थे, पेट्रोल छिड़के आग लगा छिड़के करेंगे, हमको धमकाइएगा तो क्या करेंगे, हमको मारिएगा तो मांग पूरा नहीं होगा तो इस तरह का करें। मांग पूरा की बात नहीं है, अधिकार की बात है, या मांग की बात नहीं है, मेरे संवैधानिक आधार को रोंद रहे हैं पहले तो लोग कि अंग्रेज शासन है यहाँ पर। अभी मुलाकात नहीं हुई डीओ साहब? अब डीओ साहब समझेंगे, हम लिखी दिए विधिवत लिखित डीएम को दिए हैं, एसडीओ को दिए हैं, इनको दिए हैं, तो फिर यहाँ नहीं है तो आप समझिए कितना हमारे लिए अति है। क्या नाम हुआ आपका और क्या पद का? पद क्या है आपका? शिक्षक संघर्ष मोर्चा का जिला अध्यक्ष। नहीं मानेंगे, 4 दिन बिना खाए बैठे थे यहाँ पर, बाल बच्चे आप हमारे गार्जियन है, अच्छा भैया मान ले कि एक ही वेतन बनकर एक प्रखंड से आ गया, सुन लीजिए आप लोग भी हमारे गार्जियन है, 15 आदमी का वेतन बन करेगा, तुम 12 कर दिया, 3 का नहीं करेगा, ये बात है।